यदि आपके भी वीडियो पर व्यूज नहीं आता है और आप लोगों का कोई वीडियो वायरल नहीं होता है तो समझ लो भाई, इसमें सबसे बड़ी गलती आप लोग की रहती है, तभी आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है। आप सबसे बड़ी गलती करते हो जब भी आप अपने वीडियोस को अपलोड करते हो तो यूट्यूब पर जाते हो और अपलोड आज सेक्शन पर जाकर अपने वीडियोस को भाई सेलेक्ट कर लेते हो और डायरेक्ट भाई अपने वीडियोस को अपलोडिंग कर देते हो, जो भाई आप लोगों की सबसे बड़ी गलती रहती है यहीं पास। इसलिए भाई आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है और आपका कोई वीडियो वायरल नहीं होता है। और जब भी आप वीडियोस को अपलोडिंग कर देते हो तो जब आप अपने वीडियोस को पब्लिश करते हो तो धीरे धीरे भाई आपके वीडियोस पर व्यूज आना बंद हो जाता है, आपकी वीडियोस पूरी ईयर स्टॉप हो जाती है। यह भाई आपके पास 100% प्रॉब्लम आता होगा। और दोस्त मैं आप लोग बता दूं, जब भी मैं अपनी वीडियोस को सही तरीके से अपलोडिंग करता हूं तो अपलोडिंग करने के बाद हमारे वीडियोस पर धीरे धीरे भाई व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे भाई आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने भाई अपना खुद YT स्टूडियो को ओपन किया है, आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा व्यूज भी आ रहा और गजब का डॉलर बनता है। ठीक है, आप लोग मैं सामने लाइव दिखाता हूँ, मेरा भाई जो रियल टाइम में व्यूज आता है कम से कम भाई 40,000 की अप्रोक्स आता होगा। ठीक है, और आज के वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम सही तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस अपलोडिंग करने का एकदम सही तरीका बताऊंगा, जिससे आपकी वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देख लेना, आज आप लोग बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लेकिन भाई वीडियो बढ़ने से पहले मेरा भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। और यदि आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग का चैनल एकदम फ्री में प्रमोशन कर दूं और साथ साथ मैं आप लोग से कॉलिंग पे बातें करूं तो भाई मेरे चैनल पर एक बम्पर ऑफर रहता है, जो भाई इस वीडियो को फुल वॉच करेगा तो मेरे वीडियो पर कहीं 4 अंक का कोड मिल जाएगा। जो भाई इस वीडियो को फुल वॉच करके हमारे वीडियोस पर कमेंट कर देगा ना, तो मैं आपका चैनल एकदम फ्री में प्रमोशन भी करूंगा और मैं आपसे खुद पर्सनल बातें भी करूंगा। ठीक है, तो आप लोग भाई जरूर कमेंट कर दीजिएगा और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अब मैं आप लोग बताता हूँ कैसे यूट्यूब पर सही तरीके से वीडियोस को अपलोडिंग की जाती है। लेकिन भाई उसके पहले मैं आप लोग को एक ऐसी मिस्टेक बताने जा रहा हूँ जिससे भाई आप लोग का चैनल ग्रो नहीं होता है। ठीक है, आप लोग भाई उसको सुधार लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को अपलोडिंग करने का एकदम राइट प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, आपको अपने चैनल को क्रोम ब्राउजर पर ओपन कर लेना, जैसे भाई मैंने ओपन कर लिया है, और सेटिंग पर आ जाइएगा। ठीक है, जैसे भाई आप लोग सेटिंग पर आओगे तो भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पास आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग एक टाइटल लैंग्वेज पर जाकर आप लोग को भाई वहां पास जाकर हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। और भाई एक और लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, वीडियो लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, तो भाई आप लोग को वहां पास भी जाकर हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे भाई आपकी वीडियो को यूट्यूब यार हिंदी लोगों के पास भेजेगा। क्योंकि भाई लोग 99% ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो यहाँ पास भाई आकर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो भाई आप खुद सोचो यूट्यूब यार कैसे समझेगा आपकी वीडियो को कहाँ भेजना है। यदि आप लोग यहाँ पास कोई लैंग्वेज को नहीं सिलेक्ट करते हो, कोई कोई भाई अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता है, तो आप लोग भाई इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं सिलेक्ट करना है, हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। रुको भाई, बता रहा हूँ सही तरीके से वीडियोस अपलोड करने का तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर ले तो भाई यूट्यूब यार आपकी वीडियोस को सही लोगों के पास भेजने यार स्टार्ट कर देता है। तो भाई आप लोग यार जरूर यहाँ पास सेटिंग पर जाकर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग बताता हूँ कैसे सही तरीके से अपनी वीडियोस को अपलोडिंग की जाती है। अपलोडिंग करना भाई बहुत ही आसान होता है। देखो दोस्तों, यूट्यूब पर जब भी भाई आप वीडियोस को अपलोडिंग करते हो, अपलोडिंग करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट भाई आप लोग यूट्यूब पर जाओ और अपलोड अ सेक्शन बजाकर आप अपने जो वीडियोस को शूट कर लेते हो यानी एडिट कर लेते हो सब कुछ बनाकर, तो डायरेक्ट भाई जाकर वहां पास से अपनी वीडियोस को अपलोडिंग नहीं कर देना। ठीक है, अपलोडिंग करने से पहले भाई कुछ हमको काम किया जाता है जिससे हमारी वीडियो यूट्यूब के सर्च पर जाए, यूट्यूब की एल्गोरिथम को पता चल जाए। क्या काम करना है मैं आप लोग बताता हूँ। जो भाई बड़ा सा बड़ा क्रिएटर अपने चैनल पर ये काम करता है
और आप लोग भाई नहीं करते तो टेंशन मत पालना, आपका भाई सब कुछ आज बता देगा, ठीक है। ओनली भाई 2 से 3 मिनट और देख लो, आप लोग मैं सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्त, जब भी आप अपनी वीडियोस को अपलोडिंग करो तो अपलोडिंग करते समय यहाँ पास एक टाइटल का ऑप्शन मिलता है, तो भाई आप लोग को जो टाइटल का ऑप्शन मिलता है ना, तो आपको अपने मन से वहाँ पास भाई टाइटल नहीं दे देना है, ठीक है। आप लोग यार YouTube के हिसाब से टाइटल देना है, और 99% भाई नए यूट्यूबर गलती कर देते हैं, वह भाई अपने मन से जो भी उनके माइंड पर आता है वह भाई वही टाइटल दे देते हैं। तो भाई आप लोग को अपने मन से टाइटल नहीं देना है, यदि आप अपने मन से टाइटल दे दोगे तो भाई आप लोग का वीडियो यार कभी वायरल नहीं होगा, याद रख लेना, ठीक है। आप लोग कैसे टाइटल पर दिमाग लगाना है मैं आप लोग बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई टाइटल लेना बहुत ही आसान है, आप लोग को वीडियोस अपलोडिंग करने से पहले ही काम कर लेना है, ठीक है। कैसे टाइटल लेना है बता रहा हूँ, आप लोग अपने YouTube पर आ जाना है, सिंपली भाई ऐसे YouTube पर आ जाइएगा और आपके चैनल का एक लोगो मिलेगा, इसमें भाई आप लोग सिंपली क्लिक कर देना है, क्लिक कर दो और यहाँ पास एक टर्न ऑन इंडिगो का एक ऑप्शन मिलता है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है, और आप लोगों का जो भी वीडियो का टाइटल हो आप लोग सिंपली भाई यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे भाई मेरे वीडियोस का टाइटल है एग्जांपल के भाई, मेरा टेक का चैनल है तो मेरा टाइटल है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ठीक है। तो भाई मेरे को टाइटल तो नहीं पता है, पर यूट्यूब क्या टाइटल दे रहा है मैं उसके हिसाब से टाइटल लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर देता हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। अब आप लोग देख सकते हैं, जैसे भाई मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया तो भाई यहाँ पर काफी सारी टॉप की वीडियोस आ जाती हैं, जिनके वीडियोस पर गजब का व्यूज आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर से आइडिया ले सकते हो कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या टाइटल लिखा है जिससे इनके वीडियोस पर गजब का व्यूज आता है, ठीक है। और जो इनका टाइटल होता है पूरे इंडिया में भाई यूट्यूब में टॉप में रैंक करता है, ठीक है। तो भाई आप लोगों इन्हीं के ही जैसा टाइटल लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ठीक है। तो आप लोग भाई एक बात गौर करिएगा, ठीक, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो आप लोग देख सकते हैं जिनका वीडियो यूट्यूब में टॉप में रैंक करता है, तो इनका भाई जो टाइटल है ना सबका भाई लगभग या कम से कम 99% टाइटल एकदम सेम होगा। आप लोग गौर करके देख लो, थोड़ा सा वीडियो रोक लो, पर टाइटल देखो भाई एकदम सेम भाई टाइटल है। क्यों भाई सेम टाइटल है, क्योंकि भाई बड़े क्रिएटर को पता रहता है कैसे टाइटल लिखना है। तो आप लोग को भाई यही दिमाग लगाना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च कर दे तो जो भी वीडियो यूट्यूब में टॉप में रैंक करती है उनका भाई आप लोग टाइटल का स्क्रीनशॉट सिंपली ले लेना है, और जो वीडियो 2 नंबर पे यूट्यूब में टॉप में रैंक करे तो भाई आप लोग पूरे डिस्क्रिप्शन का सिंपली भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन काम तो हो गया, पर अभी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग का आ रहा है, ठीक है। टैग लेना भाई बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग को एक काम करना है, ठीक है। जिस वीडियो से आपने भाई टाइटल ले लिया है, जो वीडियो पूरे इंडिया में टॉप में रैंक करता था, तो सिंपली भाई उसके वीडियोस का आप लोग यार लिंक यार जाकर कॉपी कर लेना, शेयर पे जाइएगा और कॉपी लिंक कर लीजिए। कॉपी लिंक करने के बाद भाई आप लोग प्ले स्टोर पे एक ऐप मिल जाएगा, टैग्यू नाम का एक ऐप होता है, इसको भाई डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं भाई मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो भाई इसमें सिंपली क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पास आकर 3rd नंबर पर भाई आकर मैं सिंपली भाई पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने भाई थोड़ा सा एरो भी लगा दिया था, ठीक है। जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग भाई देख सकते हैं यहाँ पास भी टैग आ चुके हैं, यानी भाई हम दूसरे का टैग भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भाई इसी टैग को अपने वीडियोस पर यूज कर लेना है। और रुको भाई, आप लोग टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लेने का मैं तरीका बता दिया, ठीक, पर अपलोडिंग करने का अब मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, ठीक। बस एक मिनट और देख लो, मेरा थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी कमजोर है, मेरे को पता है, माफ कर देना भाई, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास एक मोबाइल है यार, इसलिए मैं आप लोग यहाँ पर साइड पर थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर एक मोबाइल और होता ना तो मैं आप लोग को और अच्छे बेहतरीन समझा सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई वीडियो वायरल होता है तो मैं बहुत जल्द भाई एक नया मोबाइल लेने वाला हूँ, ठीक। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भाई अब जल्दी से काम करना है, डायरेक्ट भाई यूट्यूब पर जाओ, और यूट्यूब पर जाने के बाद तुरंत भाई आप लोग को टाइटल लिखना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भाई अपनी वीडियोस को अपलोड कर दो, वहां पास आप लोग टाइटल लिखना है, ठीक है। तुरंत भाई जो मैंने आप लोग स्क्रीन शॉट के लिए बोला था टाइटल लिख दीजिए, टाइटल लिखने के बाद आप लोग सिंपली उसको कॉपी कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन पर सबसे ऊपर आकर भाई उसको पेस्ट कर दीजिए, और वहां पास आकर भाई नो मिड्स फॉर किड्स पर जाकर सेलेक्ट करके
अपनी वीडियोस को अनलिस्टेड करके अपनी वीडियोस को अपलोडिंग कर देना है, ठीक है। जैसे भाई आप लोग अपलोडिंग करते हो तो भाई आप लोग का 20% काम हो जाता है, ठीक है, 80% काम रहता है। रुको भाई, अभी मैं आप लोग कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे भाई आपने अपनी वीडियोस को अपलोड की है ना, तो आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब पर जाओ और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखना, नीली नीली पट्टी कुछ चलेगी। जैसे आप लोग अपलोडिंग करते हो ना, तो कुछ अपलोडिंग करते समय जब आप लोग सही तरीके से टाइटल दे देते हो तो YouTube भाई समझ जाता है कि आपके वीडियोस को कहाँ भेजना है, कहाँ इम्प्रेशन भेजना है, सब कुछ यार वह तय कर लेता है। इसलिए टाइटल देना बहुत ही जरूरी है। अब आप लोग भाई तुरंत आना डिस्क्रिप्शन पर, जो स्क्रीनशॉट लियो तुरंत आकर भाई डिस्क्रिप्शन पर जल्दी जल्दी कीवर्ड डाल देना है और अपने इंस्टाग्राम का जो आईडी हो आप लोग डाल दीजिएगा और अपने चैनल का नेम जो हैशटैग हो उसको भी ऐड कर दीजिएगा और सिंपली टैग पर भी जाकर और टैग भी जाकर ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने आप लोग टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन तीनों भाई लेने का तरीका बता दिया और अपलोडिंग करने का एकदम राइट प्रोसेस बताया हूँ, ठीक। और यह सेम भाई मैं करता हूँ, ठीक है। तो आई होप यार मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं बार बार बोलता हूँ मेरा वीडियो क्वालिटी कमजोर था, पर माफ कर देना। थैंक यू सो मच। जय माई की बाय।